नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फंड के विषय में आपको डिस्कस करने वाला हूं जो आपको लंबे समय में आपको पैसे को मल्टीपल टाइम्स कर सकता है और मल्टीफोल टाइम करके आपको अच्छे खासे रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में देने वाला हूं। अब दोस्तों, बात करें सबसे पहले तो इसका जो आपको देख सकते हैं कि ये जो आपको फंड है आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये जो आपको पैसे हैं आपको देख सकते हैं कि आपको इक्विटी में लगने वाला है और इस फंड के थ्रू और इसका जो इसका रिस्क जो आपको कैटेगरी है दोस्तों आपका वेरी हाई है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दें, यदि आप लंबे समय इसमें आप निवेशित रहते हैं और लंबे समय में यदि इस पैसे को इसमें लगता है तो आपको आने वाले टाइम पर इसमें जो रिस्क है काफ़ी आपको मिनिमाइज होता हुआ दिखता है। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, दोस्तों आपको ये बता दें, मार्केट में आपको कोई भी आपको स्मॉल कैप फंड है जब आपको भागता है तो काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ दिखता है, लेकिन जब उसमें गिरावट होती है तो उसमें भी अच्छी खासी आपको तेज़ी के साथ में गिरावट भी होता हुआ आपको दिखेगा। तो जैसा कि दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको देख सकते हैं कि इसके अगर रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको वन मंथ में इसने आपको देख सकते हैं कि 8.5% का रिटर्न निकाल के दिया है और वहीं यदि सिक्स मंथ की बात करें तो सिक्स मंथ देखते हैं कि 31.5% का रिटर्न दिया है और वहीं दोस्तों यदि वन ईयर की बात करें तो शानदार आप देख सकते हैं कि 70% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो दोस्तों, ऐसा रिटर्न तो आपको देखने को मिला है, किसी किसी आपको शेयर में भी देखने को नहीं मिलता है यदि आप डायरेक्टली शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि शानदार आपको 70% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी आपको शानदार नज़र आएगा। दोस्तों, यदि आपको तीन साल में देखा जाए तो दोस्तों इसका थ्री ईयर का रिटर्न भी देख सकते हैं कि संदर्भ आपको 42% का है और यदि फाइव ईयर में देखें तो फाइव ईयर में देख सकते हैं कि 37.55% का आपको इसने रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों, यदि इसका ऑल टाइम की बात करें तो देख सकते हैं ऑल टाइम इसमें आपको 20% का राउंड आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो दोस्तों, इसका जो CAGR काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं और जो आपको ऑल टाइम है या आपको एनुअली आपको रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसको और पैरामीटर को देखते हैं। तो दोस्तों, आपको देखने को मिला है कि जो इसका जो अभी का करंट जो आपका NAV चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि अराउंड 260 रुपये का इसका NAV देखना हुआ देखने मिल रहा है कि 259.88 और इसकी जो रेटिंग देखी गई है आपको 3 का इसका रेटिंग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, यदि आप इसमें मिनिमम SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये से इसका SIP कर सकते हैं और यदि आप इसमें लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5000 से इसमें लमसम कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं और दोस्तों इसका जो फंड साइज है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आपको फंड साइज जितना भी बड़ा होता है तो उसका जो फंड मैनेजर होता है उसको मैनेज करना काफ़ी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप इसमें अभी निवेशित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका फंड साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और आने वाले टाइम पर यदि बड़ा भी होता तब तक तो आपको अच्छे खासा रिटर्न निकाल के दे चुका होगा, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि बात की आपको रिटर्न कैलकुलेटर की तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यदि आपने इस पैसे को अपने वन टाइम इसमें 1,00,000 रुपये यदि आपको इन्वेस्ट किया होता तो 1,00,000 देख सकते हैं कि एक साल में आपको 1,70,000 का बनाया होता और तीन साल में देख सकते हैं कि 1,00,000 रुपये का आपको 2,86,500 का राउंड बनाता हुआ रिटर्न देता और पिछले 5 साल के बाद करें तो देख सकते हैं कि शानदार आपको 392% का रिटर्न देता और 1,00,000 का अराउंड आपको 4,92,000 बना के दे चुका होता। तो जैसा कि दोस्तों आप इसका देख सकते हैं कि आपको वन ईयर बोलिए, थ्री ईयर बोलिए और आपका फाइव ईयर बोलिए, इसने आपको जो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन आपको प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों, यदि आप इसमें SIP की बात करें तो आप SIP में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि आपको इस SIP में देख सकते हैं कि आपको वन ईयर में देखने को मिल रहा है कि 23%, थ्री ईयर में 62% और आपका फाइव ईयर में शानदार आपको 198% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको इसमें जो आपको देखने को मिलता है रिटर्न आपको क्या है कि इसमें आपको CAGR के हिसाब से देखने को मिलता है कि आपको कैसा कैसा आपको एक आपको कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं और दोस्तों जो जो इनका जो पिछला रिटर्न है वो तो आपको पिछला रिटर्न दे चुका है, लेकिन दोस्तों इसकी शेयर मार्केट में और आपको म्यूचुअल फंड में कोई भी आपको फिक्स नहीं है कि आपको ऐसा रिटर्न निकाल के देगा ही देगा। दोस्तों, ऐसा आपको पास्ट जो का ट्रिक है उसको आप देख के ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहा है पिछले 5 साल 8 साल 10 सालों से, तो आने वाले टाइम पर भी इसमें और अच्छा प्रदर्शन निकाल के दे सकता है। अब दोस्तों, बात करें इसके होल्डिंग की तो इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें आपको जो शेयर है इसमें आपको टोटल आपको 96 होल्डिंग है और यदि आपको बात करें टॉप 10 होल्डिंग की तो देख सकते हैं कि इसमें आपको देखते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग में रिलायंस हो गया, जियो फाइनेंस, बीकाजी फूड्स, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, RBL बैंक, अरबिंद और आपका पंजाब नेशनल बैंक देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, जैसा कि इसमें HFCL भी देखने को है जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं और टोटल होल्डिंग क्या है तो आप वीडियो को इसमें मैं पूरा उसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जस्ट डायल हो गया, अदानी पावर हो गया और भी आपको अलग अलग कंपनियाँ देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, जितनी भी कंपनियाँ आप इसका जो वीडियो को पॉज करके सारी कंपनी का नाम इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया।
अब दोस्तों बात करें इसका सेक्टर की आपको कि कौन कौन से सेक्टर में आपको कितने पैसे को आपको लगाया, तो चलिए उस पर एक बार सेक्टर पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों को आपको देखने को मिला कि देख सकते हैं कि इसका 95.7% जो इसका पैसा है आपको इक्विटी में लगा है, और इनके जो हाथ में जो कैश है आपको 2.8% के हिसाब से है, और इनका जो डेप्ट में लगा है आपको 1.4 देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करें किस सेक्टर में कितने पैसे को उन्होंने लगाया है, तो दोस्तों आपको देखने को मिला है कि जिन्होंने अदर में आपको देख सकते हैं कि 20% और आपका एनर्जी सेक्टर में आपका 15%, आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में 9.1% और सर्विसेज में आपको 8.6%, फाइनेंशियल में 19%, मेटल एंड माइनिंग में 11%, हेल्थ केयर में देख सकते हैं कि दोस्तों 8.9% और कंज्यूमर में देख सकते हैं कि 7.5% इन्होंने आपको पैसे को लगाया है। तो दोस्तों इन्होंने आपको जो पैसे है काफ़ी अच्छे इन्होंने आपको वेल डाइवर्सिफाइड इन्होंने कर रखा है। और जैसे बात करें तो आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं और एनर्जी के सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने आपका इस पैसे को लगाता हुआ दिखा है। और दोस्तों यदि बात करें इस सेक्टर जैसे इस आपका म्यूचुअल फंड जैसे कि पी को, तो दोस्तों इसका जो पी है काफ़ी आपको एट्रेक्टिव वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों कल के डेट में मैंने आपको वीडियो बनाया था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो उसका जो आपको पी देखने को मिल रहा था इससे आपको महंगा ही देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों उसके तुलना में इसका पी भी आपको काफ़ी अच्छा और आपको कम देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं डाटा इनका जो एडवांस आपका रेशियो देखने को जो है मिल रहा है। और दोस्तों बात करिए इनके रिटर्न और इनके रैंकिंग की, तो आपको देखने को मिला कि वन ईयर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 70% का रिटर्न दिया है, और देखिए आप 3 ईयर में 42% और आपका 5 साल में 37% रिटर्न निकाल कर दिया, और ओवरऑल का अराउंड आपको 20% रिटर्न निकाल के दिया है। और इनका जो बात करें जो आपको जो टोटल जो आपको कैटेगरी है, तो कैटेगरी ने आपको देखते हैं कि 5 साल में देखते हैं कि 25%, 3 साल में अराउंड 30% और आपको 1 ईयर में 56% रिटर्न निकाल के दिया है। तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि ना जितने भी कैटेगरी है उसको जो आपको बीट करते हुए नजर आ रहा है। और रैंकिंग की बात करें तो 1 साल में देखते हैं कि दोस्तों आपको 4th नंबर पर रैंक करता हुआ नजर आ रहा है, 3 साल में 1 और 5 साल में भी 1 नंबर पर आपको रैंकिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो में बने रहें ताकि अंत तक आपको सारा डाटा क्लियर हो जाए। और यदि आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट पूरा क्लियर हो जाए कि आपको इसमें निवेश करना चाहते हैं कि निवेश करना नहीं चाहते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इसका जो सिमिलर फंड है आप इस कैटेगरी में अलग अलग इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करके एक्सपेंस रेशियो, तो आपको देखने को मिलेगा इसका जो आपको एक्सपेंस रेशियो है 0.7 है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो और आपको रेशियो होता है या वो आपको कमीशन होता है जो इसका जो फंड मैनेजर होता है आपके आपके जो पैसे हैं या आपको ये आपका म्यूचुअल फंड है इसको मैनेज करने के लिए आपसे वो कुछ कमीशन के तौर पर लेता है। अब दोस्तों बात करें एग्जिट लोड को, तो आपको देख सकते हैं कि यदि आप एक साल से पहले पैसे को बेच कर निकालते हैं तो आपको 1% का रिडक्शन चार्ज देखने को मिलता है। और इसका आप देख सकते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 0.005% देखने को मिल रहा है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। फंड मैनेजर के तो दोस्तों किसी भी फंड के लिए जो फंड मैनेजर होता है काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट आपको अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि दोस्तों आपको पैसे को वही आपको वेल डाइवर्सिफाइड तरीके से और अच्छे तरीके से आपको मैनेज करता है। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो फंड मैनेजर है आपको संजीव शर्मा जी हैं, जो कि आपको 2019 से इस फंड में लेकर अभी तक आपका प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। और इनका जो आपको क्वालिफिकेशन है आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, और इनका जो एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं, और ये किन किन फंडों को आपको मैनेज कर रहे हैं इसे भी आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं सारे डाटा को। अब दोस्तों बात करें दूसरे जो फंड मैनेजर आपको क्या है वसल संघल जी हैं, जो कि आपको अप्रैल 2022 से इस फंड में काम कर रहे हैं और प्रेजेंट अभी तक आप इसमें काम करते नजर आ रहे हैं, और इनका जो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं और इनका जो एक्सपीरियंस भी आप इसमें देख लीजिएगा। और दोस्तों जैसा कि देखते हैं कि इन फंडों को आप इसमें इसको मैनेज करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करके तीसरे जो आपको इसमें फंड मैनेजर वो आपको 2020 से इसमें आपको अभी तक काम कर रहे हैं, और इनका जो क्वालिफिकेशन और इनका एक्सपीरियंस आप दोनों को इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं तो आप दोस्तों आपको देखने को मिला कि मैंने जो आपको फंड मैनेजर हैं जो कि आपको इसमें काफ़ी पुराने और आपका वेल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, जो कि आपको संजीव शर्मा जी हैं जो आपको फंड को 2019 से इसको रन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों ये तो एक सारा डाटा होगा फंड मैनेजर के दौरान। अब दोस्तों देखने को मिला कि यदि बात करें इस फंड के रिगार्डिंग, तो आपको देखने को मिला कि जो आपको क्वांट म्यूचुअल फंड है इसका जो ऑल इंडिया में जो आपको टोटल रैंकिंग देखने को मिलेगी आपको 34 पर रैंक करते हुए नजर आ रहा है। और इस फंड के अंडर आपको देखने को मिला कि अभी तक 66,469 करोड़ का टोटल इन्होंने आपका फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करें कि इस फंड का जो टोटल ओपनिंग हुआ था आपको देखने को मिला कि वो आपको 1996 में होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों ये तो होगा सारा डाटा इस फंड के रिगार्डिंग। अब दोस्तों बात करें कि यदि आपको देख सकते हैं कि इसका जो बेंच मार्क है, तो दोस्तों आपको देखने में कि जो बेंच मार्क है निफ्टी 50 स्मॉल कैप देख सकते हैं कि 250 TRI देखने को मिलेगा, जो कि आपको इसी के बेस पे। दोस्तों आपको बेंचमार्क क्या होता है, तो दोस्तों बेंचमार्क आप एक स्टैंडर्ड के तहत समझ लेते हैं और उसी के हिसाब से आपको देख सकते हैं कि कोई आपका जो फंड है क्या अप प्रदर्शन कर रहा है कि आप उसका डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है कि उसका फंड कैसा आपको रिजल्ट निकाल के दे रहा है, तो उसके हिसाब से एक बेंचमार्क उसको तय किया जाता है कि इसके
इसको आप रेफरेंस मान के इसको हम तय करेंगे कि आपको फंड कैसा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और कैसा आपको फंड को निकाल के आपको पैसे को रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो दोस्तों इसी को आपको फंड मैनेजर इसको देख सकते हैं कि आपको बेंचमार्क। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात जो आपको मतलब और कहीं वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने वीडियो में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी, इस फंड के रिगार्डिंग जो आपको इसमें जो कुछ कुछ आपको दिक्कतें हैं उसको भी बताया जरूर जाएगा। तो दोस्तों यदि बात करें प्रोज और आपके कॉन्स की, तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि इस फंड ने आपको देख सकते हैं कि आपको जो कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं कि आपको ईयर दर ईयर, तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि 1 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर आपको लगातार अच्छा आपको रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन दोस्तों यदि बात करें कॉन्स की, तो आपको देखने को मिला इसका जो अल्फा है आपको हाई देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका जो बेंच मार्क तो आपको काफ़ी अच्छा आपको निकाल कर दे रहा है। लेकिन दोस्तों आपको यदि बात करिए यदि आपको इसमें फॉल देखने को मिलता है तो आपको इसमें जल्दी आपको फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि दोस्तों आप इस केस में देख सकते हैं और अभी तक इसने आपको बेंचमार्क को बीट करते हुए काफ़ी आपको हाई रिटर्न निकाल के दिया है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो भी आपको काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपको देखने को मिला कि जो आपका फंड है काफ़ी आपको वेल मैनेज तरीके से आपको काफ़ी टॉप रैंकिंग करता हुआ नज़र आएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप इस IPO के इसमें इस फंड के केस में देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो और आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।